नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की, जिसे WHO ने महामारी घोषित कर दिया है। लेकिन सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि किसी बीमारी को महामारी घोषित कर देने से उस बीमारी के लक्षणों या फिर प्रकृति में कोई बड़ा बदलाव नहीं हो जाता है। दरअसल जब कोई बीमारी किसी एक देश या फिर सीमा तक सीमित नहीं रहती है तो दुनिया के कई देशों में बड़े पैमाने पर फैलने लगती है और उसको महामारी घोषित कर दिया जाता है। अब आपको बताते हैं कि WHO कैसे तय करता है महामारी। किसी बीमारी को महामारी घोषित करने के लिए कोई तय पैमाना नहीं है। किसी बीमारी से होने वाली मौत या फिर इन्फेक्शन या फिर उससे प्रभावित देशों की संख्या के आधार पर किसी बीमारी को महामारी नहीं घोषित किया जा सकता। साल 2003 में SARS कोरोना वायरस सामने आया था, उससे 26 देश प्रभावित हुए थे। इसके बावजूद SARS कोरोना वायरस को महामारी घोषित नहीं किया गया था। किसी बीमारी को महामारी घोषित करने का फैसला WHO को लेना होता है। साथ ही यह भी ध्यान रखना होता है कि महामारी घोषित होने के बाद कोई अनावश्यक खौफ या फिर डर की स्थिति पैदा ना हो जाए, जैसे 2009 में स्वाइन फ्लू को महामारी घोषित करने के बाद हुआ था। इस बात का ख्याल भी रखा जाता है कि महामारी घोषित करते समय एक बात और ध्यान में रखी जाती है, किसी प्रभावित देश से आने वाली यात्री की वजह से अगर कुछ देशों में छिटपुट मामले सामने आते हैं तो उसको महामारी घोषित नहीं किया जाता। जब कई देशों में स्थानीय स्तर पर आपस में लोगों के बीच बीमारी लगातार फैलने लगती है तभी उसको महामारी घोषित किया जाता है। जैसे कि कोरोना वायरस को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि इसे महामारी घोषित करने में इतना वक्त क्यों लगा, तो कोरोना वायरस के साथ भी ऐसा ही हुआ। शुरुआत में स्थानीय स्तर पर बीमारी के फैलने के ज्यादा मामले सामने नहीं आए थे।